हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीकू की पाकशाला। तो जामुन का सीज़न चल रहा है और आप सभी जानते होंगे कि जामुन कितना फ़ायदेमंद होता है। तो आज हम बनाएंगे जामुन का जूस और जानेंगे जामुन का जूस पीने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और जामुन का जूस किस तरीके से बनाया जाता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा और ये वीडियो पसंद आएगी तो शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जामुन का जूस बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 10 से 15 जामुन, जिसको कि हम अच्छे से धुल देंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जामुन का जूस पीने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जामुन के जूस में एंटीबायोटिक गुड़ पाया जाता है जो डायबिटीज़ कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। इस जूस में मौजूद यौगिक जंबोलिन और एलाजिक एसिड शरीर में स्टार्च बनाने वाली गति को कम कर देता है, जिससे शरीर में ब्लड शुगर कंट्रोल होता है। इतना ही नहीं, जामुन के जूस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम होता है, जो डायबिटीज़ रोगियों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। ये टाइप 1 और टाइप 2 दोनों तरह के डायबिटीज़ मरीजों के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। इसलिए कई हेल्थ एक्सपर्ट जामुन का जूस पीने की सलाह देते हैं जिनको भी डायबिटीज़ होता है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि जामुन को इस तरीके से काट लेना है, उसके बीज को हमें निकाल लेना है। जामुन का जूस जहाँ डायबिटीज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, वहीं ये हार्ट के लिए भी बहुत ही अच्छा स्रोत है। ये हार्ट को मजबूत बनाने में हेल्प करता है और साथ ही साथ पाचन शक्ति को भी मजबूत बनाता है। तो यहाँ पे हमने जामुन को इस तरीके से काट लिया है, बीज को अलग कर लिया और अभी हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे। मिक्सर ग्राइंडर में डालने के बाद इसे हमें एक बार ग्राइंड कर लेना है। जामुन का जूस हमारे बालों और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जामुन खाना बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस वक्त गर्मियों में जामुन का सीज़न चल रहा है तो आप जामुन ज़रूर से खाएं। तो यहाँ पे हमने इसे ग्राइंड कर लिया है और अभी हम इसमें डाल रहे हैं आधा ग्लास पानी। इस पानी को डाल के भी हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है ताकि जामुन अच्छे से ग्राइंड हो जाए। तो ये देखिए, यहाँ पर ये अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। तो हमें लेना है एक बोल और बोल के ऊपर रख देंगे स्ट्रेनर। तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जो लोग डायबिटीज़ पेशेंट हैं उनके पास ये वीडियो ज़रूर से पहुंचना चाहिए ताकि वो ये जूस पी सके और उनको बहुत ही फ़ायदे होने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने जामुन को अच्छे से छान लेना है इस तरीके से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ पीसेस जो हैं वो अच्छे से ग्राइंड नहीं हुए हैं, तो हम उसे निकाल लेंगे और अच्छे से मिला देंगे चम्मच से। उसके बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार काला नमक, और उसके बाद हमें डालना है आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, इसे भी हम मिला लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नींबू का रस, तो यहाँ पे नींबू का रस हम डाल देंगे। तो हमारा यहाँ जामुन का जूस बनके तैयार हो गया है। तो जामुन का जूस आप सुबह खाली पेट पीजिए, वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। साथ ही साथ आप इसे शाम को भी पी सकते हैं। जो लोग हाईली डायबिटिक हैं वो दो टाइम जामुन का जूस पी सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच शहद, और शहद डालने के बाद मैं इसमें जामुन का जूस डाल दूँगी। तो ये भाई मैंने शहद इसलिए डाला है अपने टेस्ट के लिए। अगर आप डायबिटिक हैं तो आप इसमें शहद का इस्तेमाल ना करें, आपको ऐसे ही पीना है। तो यहाँ पे हम जामुन का जूस डाल देंगे। तो फ्रेंड, देखा ना कितनी आसान सी ये हेल्दी जूस की रेसिपी है। आपको यकीन नहीं होगा, मेरे 5 साल के बेटे ने ही जूस पी करके ख़त्म कर दिया ये ग्लास, क्योंकि उसे बहुत ही टेस्टी लगा। तो ये टेस्टी भी है और साथ ही साथ हेल्दी भी बहुत है। तो आप इसे ट्राई ज़रूर से करिएगा। तो इस तरीके से हम जामुन का जूस बना के तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ही मत भूलिएगा कि आपको ये जामुन के जूस की रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाबा विश्वनाथ की कृपा आप सब पे बनी रहे। हर हर महादेव।